आप सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे जी? देखो फिर से एक ये एक अनोखी वीडियो है और अनोखी एक प्रकाशन पर उन्होंने मुझे दिया और कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तरफ में सोचता मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, तो कल 17 तारीख थी, 17 अप्रैल, तो सब जानते कि हमने और पूरी दुनिया ने यीशु मसीह के जी उठने के दिवस की खुशियाँ मनाई और चर्च में गए, प्रार्थना करी, है ना, प्रभु से धन्यवाद करते। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पे यीशु मसीह की जी उठने की खुशी तो बनी लेकिन मौत और संकट के बीच में बनी। बिल्कुल मेरे जी, मौत और संकट के बीच में जान जोखिम में डालकर उन्होंने ईस्टर बनाया, प्रभु का जी उठने का दिवस मनाया और चर्चों में प्रार्थना करी। जब ये बात मुझे पता चली तो वाक्य में मैं उनके प्रेम को और उनके विश्वास को के बहुत हैरान हो गया, क्योंकि हम छोटी सी बात में क्या करते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या मुझे लड़की नहीं मिली, वो लड़का नहीं मिला, या मेरा नौकरी नहीं मिली, हम चर्च को प्रार्थना को छोड़ते हैं। लेकिन ये देखो, सब कुछ खोने के बावजूद भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, प्रार्थना नहीं छोड़ी, संकट में भी उस चर्च में गए, प्रार्थना करी। कौन सी जगह है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा, प्रभु ने वचन भी दिया, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा सबके विश्वास को बढ़ाना और ऐसा विश्वास हम सबको देना, वाक्य में ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम हमारा भी हो पिता। इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बिल्कुल मेरे जीवन, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम हमारा भी हो। मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन के शहर कीव की। बिल्कुल मेरे जीवन, जब मुझे पता चला कि ईस्टर वहां बनाया गया और बहुत एक डेंजर स्थिति में है, कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस मद्देनजर हटाकर, यानी कि उस चीज को हटाकर चर्च खुला, प्रार्थना हुई और लोग ने ईस्टर को सेलिब्रेशन वैसा नहीं करा लेकिन प्रार्थना के साथ करा, प्रभु के भवन में गए। नहीं जा सकते थे, इनपे ऑप्शन था, लेकिन प्रार्थना करने गए। तो हम सब ने तो बनाया ईस्टर अपने तरीके से, यानी कि बिल्कुल एक अच्छी तरह से, लेकिन इनका ईस्टर सबसे ऊंचा था, क्योंकि उन्हें जब चर्च में संडे गए, संडे जिसे बोलते हैं, आना पुरुषार्थ दिन जिसे बोलते हैं, परमेश्वर जी उठने दिन जिसे बोलते हैं, उस दिन जब ये गए तो जान हथेली पर रखे गए, क्योंकि इस समय जो रूस है वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखो ये प्रार्थना। और दूसरी बात क्या है, मेन बात क्या, मैं क्यों आया हूं आपके सामने, आप कहोगे कोई अनोखी बात नहीं, अनोखी बात है। क्या है अनोखी बात? इनका विश्वास, इनका प्रेम कितना बड़ा है, ये सब कुछ खो रहे, धन संपत्ति से लेकर अपने प्रिय जन तक को खो चुके हैं, फिर भी इनका प्रेम यीशु मसीह कम नहीं हुआ, इनका विश्वास यीशु मसीह में कम नहीं हुआ। आज हम और आप क्या करते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुई, छोड़ दिया खुदा को, छोड़ दिया चर्च को, प्रार्थना करना छोड़ दिया, इनका प्रियजन इनके पास से चला गया, इनके अपने बिछड़ गए, इनकी प्रॉपर्टी, इनका जायदाद सब नष्ट हो चुका है, फिर भी यीशु मसीह से प्रेम करते, फिर भी प्रार्थना करते हैं, ये अच्छा लगा मुझे मेरे जीवन। और मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका विश्वास भी ऐसा हो, हमारा और आपका प्रेम भी यीशु मसीह ऐसा हो। ये चाहते तो छोड़ सकते थे यीशु मसीह को, क्योंकि इन पे तो सब कुछ चला गया, लेकिन नहीं, इस कंडीशन में भी ईमानदार रहे और वचन जो प्रभु ने मुझे दिया, ये वचन हमारे और आपके जीवन में सोगना प्रतिफल लेके आए। कौन सा वचन है मेरे जीवन? वचन है इब्रानियों की किताब, इब्रानियों उसका 10 अध्याय, इब्रानियों 10 का मैं पढ़ूंगा 37, 38, 39, 10 अध्याय का 37, 38, 39 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। आज पीछे हट जाते यूक्रेन वाले तो प्रभु का मन पीछे दुख हो जाता ना, मन क्या कहता है, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लेकिन देखो, जान जोखिम में डालकर, बहुत लोग होंगे, ऊपर से मिसाइल गिर सकती है, बम ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता ना, नहीं करी परवाह, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ऐसा विश्वास प्रेम होना चाहिए। लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। आज यही मुझे सबक मिला कि हमारा आपका विश्वास कितना कमजोर है, हमारा आपका विश्वास कितना, प्रेम कितना कमजोर होता है, कि अगर जो चीज मिली तो धन्यवाद प्रभु का, नहीं मिली तो रूठ के बैठ गए, 2 हफ्ते तक चर्च ही नहीं गए, या छोड़ ही दिया प्रभु को, है ना, नहीं मिले। आज हमें ये सबक मिला है, कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, वो पहले है, वो प्रथम है, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम नंबर 1 होना चाहिए, ऊंचे उठना चाहिए, ताकि शैतान
और जो भी अंधकार शक्ति वो नीचे दब जाए हमारे विश्वास के और प्रेम के कारण। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं विश्वास करता हूँ आपने जो मुझे सब ये सब्जेक्ट दिया, ये प्रकाशन दिया, आज बहुतों का विश्वास टूटने वाला था, बहुत उदास थे, निराश थे, शायद उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने ये दिखाया कि देख उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनका सब कुछ खो गया, जैसे अय्यूब का चला गया था, फिर भी उनका विश्वास कम नहीं हुआ, उनका प्रेम कम नहीं हुआ, ऐसे हमारा और आपका विश्वास और प्रेम कम ना हो, आज आपने ये बताया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आज आपने हम सबसे बातें करी, इस छोटे से संदेश के द्वारा आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और उनके भी साथ तो ज्यों का त्यों कर दे, देश को रुद्ध जो भी युद्ध हो रहा है उसको रोक दे और शांति कायम कर दे, उनकी प्रार्थना का जवाब दे। हाँ और आमीन के साथ हम भी मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, अभी तक संभाल, आगे संभाला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मैं विश्वास करता है कि आपका प्रेम और आपका विश्वास आज मजबूत होगा इस संदेश के बाद, अपनी राय जरूर देना। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।